वेल नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं टॉप गुरुज। दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ कि आपको फेसबुक पर रीच कैंपेन कैसे बनाना है। जैसे कि फेसबुक ऐड ट्यूटोरियल की हमारी सीरीज चल रही है, हम एक एक करके सारे ट्यूटोरियल्स यहाँ पे सीख रहे हैं, तो अब बारी है रीच कैंपेन की। रीच कैंपेन कैसे बनाएंगे आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो आप देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको फेसबुक का पहले बिजनेस अकाउंट और एड अकाउंट कैसे बनाना, तभी आप ये बना पाएंगे। तो आप जाके वो भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको हर आपकी प्रॉब्लम का यहाँ पे सॉल्यूशन इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, चाहे वो डिजिटल से रिलेटेड हो चाहे कोई भी और। कमेंट करेंगे अगर आपकी कोई प्रॉब्लम, तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना हमारी जिम्मेदारी है। तो कमेंट करिए और बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हमें रीच कैंपेन कैसे बनाना है फेसबुक एड्स के अंदर। तो चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीखते हैं। सीख रहे हैं कि हमें अपना जो रीच कैंपेन है वो कैसे बनाना है। ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन में पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं, उम्मीद करता हूं आपको पसंद भी आया होगा। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा, बताइए आपको कैसा लगा। साथ ही साथ आज रीच कैंपेन बनाना सीखेंगे, तो आपको कैसे वो कैंपेन बनाना, तो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। आप अगर अपना एड मैनेजर में नहीं है तो एड मैनेजर में आ जाइए पहले। अगर आपने एड मैनेजर का अकाउंट नहीं बनाया तो हमारे चैनल पर जाके वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो पहले शुरुआत करने के बाद पहले आप एड मैनेजर में आ जाइए। एड मैनेजर के बाद आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का एक बटन है, तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको कुछ यहाँ पे कैंपेन्स टाइप दिखाने लग जाता है, कितने तरह के कैंपेन्स हैं आपको हमें चलाना है इस बार रीच। फिर हम धीरे धीरे आगे और आगे बढ़ेंगे, तो रीच पे चलाना है तो रीच पे क्लिक करूंगा। रीच के लिए क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं दे दूंगा रीच का कैंपेन नेम, जिसके लिए भी मैं चला रहा हूँ, जिसके नाम से भी अपने, चाहे फ्रीलांस चला रहा हूँ मैं, किसी के लिए भी चला रहा हूँ, आप कैंपेन नेम यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, आपको नीचे कोई सिलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद एड सेट नेम अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी, मैं तो नहीं दूंगा अभी। और उसके बाद आपको फेसबुक पेज पे यहाँ पे आपको वो पेज सेलेक्ट करना है जिसके लिए आप कैंपेन चला रहे हैं। मैं यहाँ टॉप गुरुज के लिए चला रहा हूँ, तो मैं टॉप गुरुज के लिए यहाँ पे नीचे करके इसको सेलेक्ट कर दूंगा। यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने जैसे पहले भी ऑडियंस में बना चुका हूँ, लेकिन आपको मैं दिखाने के लिए आज मैं ऑडियंस दोबारा बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं दोबारा बना रहा हूँ, आप देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो वहीं नीचे आते हैं, नीचे चलते हैं और लोकेशन वाइज डिसाइड कर लेते हैं एक बार कि आप पूरे इंडिया में चलाना चाहते हैं। चलो ठीक है, काम करते हैं, इसकी लोकेशन ऑल ओवर इंडिया ही रख देते हैं। हमने स्पेसिफिक पिछली बार में देख लिया था मैं क्या चलाना है, इस बार उसकी लोकेशन फुल इंडिया। एज का जो है, एज का मैं थोड़ा देख लेता हूँ, एज का मेरे को 21 से चाहिए और करीब मुझे चाहिए, मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, 21 to 44 मैंने कर दिया है। और ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद एस्टिमेट साइज़ आपको दिखा देता है, रीच दिखा देता है डेली रिजल्ट के हिसाब से, देखिए आपकी पोटेंशियल रीच कितनी है, ये आपको पूरा यहाँ पे दिखा देता है। जेंडर आप देख सकते हैं, अगर आपको दोनों में सेलेक्ट करना है तो आप किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज अगर आपको चाहिए, मेरे को तो इंग्लिश चाहिए अभी, तो मैं इंग्लिश ले लेता हूँ, अदरवाइज आपको हिंदी चाहिए तो आप हिंदी भी ले सकते हैं इस तरीके से। तो हिंदी मैं अभी हटा लूँगा, मुझे नहीं चाहिए, मैंने आपको दिखाने के लिए किया था। तो इस तरीके से आप लैंग्वेज भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वही डिटेल टारगेटिंग की बात कर लेते हैं। डिटेल टारगेट मतलब स्पेसिफिक किन किन चीज़ों को टारगेट करना चाहते हैं, किन किन बंदों को। मैं स्टूडेंट्स को टारगेट करना चाहता हूँ, मैं मार्केटिंग के नाम से जो भी आते हैं उनको टारगेट करना चाहता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग की जहाँ भी बात हो मैं उनको टारगेट करना चाहता हूँ, जिनका इंटरेस्ट हो डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग में करना चाहता हूँ मैं। जहाँ पे जॉब्स की बात हो मैं वहाँ पे भी अपना दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पार्ट टाइम जॉब्स की बात हो मैं वहाँ पे भी अपना दिखाना चाहता हूँ। इस तरीके से आप अपनी डिटेल मार्केटिंग भी और भी ज़्यादा आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। रीच आपको एस्टिमेट वाइज से दिखेगी, वो प्राइस के हिसाब से भी कम ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, कनेक्शन साइज वही सेम बात, आप अगर आप चाहते हैं कि जिन बंदों ने आपका पेज लाइक किया उनको दिखाई दे या फिर उनके फ्रेंड्स को दिखाई दे, तो आप ऊपर के दो सिलेक्शन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहते हैं भाई दोनों में से उनमें से किसी को दिखाई ना दे, बस मैं जो मेरे पे कभी इस पे आया ही नहीं है उनको दिखाई दे, एक्सक्लूड पीपल हूँ तो उनको, इसलिए आपको एक्सक्लूड पीपल हु लाइक योर पेज को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ वहीं आप इसको सेव दिस ऑडियंस को भी आप कर सकते हैं, हिसाब सेव कर सकते हो, और आगे आपको भी ऐड बनाना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट वन कर देता हूँ, हो गया। अब बात होती है दोस्तों, यहाँ हमने कैंपेन पूरा बना दिया, एडिट के हिसाब से एडिट करना चाहे एडिट भी कर सकते हैं ऑटोमेटिक। हमने लास्ट वीडियो में हमने ऑटोमेटिक देखा था, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे एडिट प्लेसमेंट की। एडिट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? एडिट प्लेसमेंट मतलब मुझे कई चीज़ होती हैं कि मुझे यहाँ नहीं चलाना, मुझे वो नहीं करना, या फिर मुझे ऑल डिवाइस पे नहीं चाहिए, मुझे डेस्कटॉप पे नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा मोबाइल भी यूजर्स को दिखाई दे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आपको एडिट प्लेसमेंट पर क्लिक करना है और यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे ऑल डिवाइसेस की जगह मोबाइल, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आप डेस्कटॉप पे से टिक मार्क हटा देंगे और मोबाइल पे कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसका मतलब होता है कि भाई मेरा जो ऐड दिखाई देगा केवल मोबाइल यूजर्स को दिखाई देगा, बिकॉज
अकॉर्डिंग टू सर्वे 80% जो हमारे यूजर्स हैं इंडिया में वो सब मोबाइल यूजर्स ही हैं, कंप्यूटर लैपटॉप हर किसी पे नहीं होता है। तो मैं मोबाइल के हिसाब से चला देता हूँ। प्लेटफॉर्म देख लीजिए, अगर आप दोनों पे चलाना चाहते हैं तो आप दोनों पे भी चला सकते हैं, आप इस पर भी टिक मार्क कर दीजिए तो आपके हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, प्लेटफॉर्म्स अगर आप चाहते हैं, मैं फेसबुक फेसबुक पे चले, ऑडियंस नेटवर्क पे चले। ऑडियंस नेटवर्क मतलब होता है कि आपका अगर फेसबुक पे भी ना, फेसबुक के अलावा जो भी एप्स वगैरह होते हैं या कोई और होता है और जहाँ पे ऑडियंस ज़्यादा आती है तो वहाँ पे आपका दिखाई दे जाएगा। आप चाहते हैं भाई मेरा ये ना ऐड फेसबुक फेसबुक पे चले, इंस्टाग्राम पे ना चले, तो आप इंस्टाग्राम से हटा दीजिए यहीं से। ठीक है, या फिर आप इंस्टाग्राम पे चलाना चलाना चाहते हैं तो आप फेसबुक हटा दीजिए। मतलब जैसा भी आपको लगे आप अपने हिसाब से इन चीज़ों पर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नीचे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ना फीड्स है, मतलब प्लेसमेंट्स आपके हिसाब से कहाँ का चलेगा। फेसबुक न्यूज फीड पे चलेगा, इंस्टाग्राम फीड, ठीक है। मार्केट प्लेस पे देखिए डिपेंड करेगा, अगर आप मार्केट प्लेस पे अगर आप समझते हैं आपका प्रोडक्ट या सर्विस इस तरीके की, मार्केट प्लेस में भी लोगों को समझ में आएगा या फिर आपका ऐड चलेगा तो उनके दिमाग में क्लिक हो सकता है, तो आप उस हिसाब से मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर सकते हैं। फूड रेस्टोरेंट वाले तो कर सकते हैं, बट लेकिन एजुकेशन वाले आई डोंट थिंक कि उनको करना चाहिए, या फिर वो अगर उनको लगता है उनका हो सकता है वहाँ पे क्लिक रेट, या फिर उनको लगता है कि वो समझ में आ सकता है तो मार्केट प्लेस में चला सकते हैं। तो मैं मार्केट प्लेस से हटा दूंगा अभी के लिए, और फेसबुक वीडियो फीड्स पे भी चलने दूंगा। स्टोरीज, इंस्टाग्राम स्टोरीज, दैट्स परफेक्ट। इन सेम में भी चल जाएगा, इन आर्टिकल में भी, ठीक है। ऐप साइट्स वगैरह, दैट्स ओके, दैट्स परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ स्पेसिफिकेशन मोबाइल और मोबाइल डिजाइन और ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखा है। तो आप चाहते हैं मोबाइल डिवाइस पे चले तो ओनली वैन जब वो वाईफाई से कनेक्टेड हो या फिर अपने पर्सनल से भी, तो मेरे हिसाब से ठीक है, मतलब हम चला सकते हैं इसको, वाईफाई तो ज़रूरी नहीं है पर ठीक है। अगर आप मतलब देखो दोस्तों क्या होता है ना, ये अपनी अपनी ना कॉल के हिसाब से होता है और अपनी अपनी ना एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से होता है। कई बार क्या होता है कि जो वीडियोस आपकी होती हैं वो लोग तभी देखना पसंद करते हैं जब उनके पास अच्छा नेट हो, वो सोचते हैं कि अपना पर्सनल नेट हमें वेस्ट करना पड़े, हमारा वाईफाई कनेक्शन हो तो हम समझ सकें। कई बार नीड के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से अपने पर्सनल नेट से भी देख लेते हैं। तो मैं इसको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपने हिसाब से देखिएगा, अपने प्रोडक्ट अपने सर्विस के हिसाब से कि आपको क्या प्रेफर करना है। तो वहीं नीचे आ जाते हैं, एक्सक्लूड कंटेंट पब्लिशर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्वेंटरी फिल्टर्स, आप देखिए दोस्तों यहाँ पे बजट एंड शेड्यूल के हिसाब से देखिए। ऑप्टिमाइज फॉर एड डिलीवरी हमने रीच की रखी है, ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा रीच की और एंगेजमेंट दोनों में डिफरेंस आपको बता दूंगा। अगर आप चाहते हैं बताऊं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए रीच एंड एंगेजमेंट डिफरेंस प्लीज, तो मैं बता दूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही अगर आगे वीडियो बनाऊंगा तो एंगेजमेंट की तो आपको थोड़ा क्लियर कर दूंगा। बिट कंट्रोल कितना चाहते हैं, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहते हैं भाई, भाई मेरे जो एंगेजमेंट है वो कितने बिट पाए। ये बोल रहा है कि फेसबुक विल एम टू एड स्पेंड योर एंटायर बजट एंड गेट द मोस्ट 1000 इंप्रेशन यूजिंग द लोवेस्ट कॉस्ट बेस्ड स्ट्रेटजी। मतलब मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे समझ पा रहा है ये है कि आप क्या अपनी बिड रखना चाहते हैं, इसके अंदर आपके 1000 इंप्रेशंस वगैरह आपके इस पे भी इस बिड में आ जाए। तो देखिए दोस्तों 1-2 रुपये में तो मेरे हिसाब से लेगा भी नहीं है, ये आपको मना ही करेगा, तो 3 रुपये रखते हैं। देखिए 3 के हिसाब से क्या कहता है, ये 3 के हिसाब से कहता है द बजट यू एंटायर लिमिट द नंबर ऑफ रिजल्ट यू आर लाइकली टू गेट। मतलब ठीक है, दैट्स परफेक्ट। अगर आप 2 रखेंगे, ये डिपेंड करता है, वैसे लोग तो 1 रखते हैं, 1 के हिसाब से देखिए 2 रखेंगे तब भी फेसबुक मना करता है, दिस साइड मे नॉट रीच एनीवन, क्या नहीं पहुंच पाएगा, ये रीजन है। तो इंक्रीज है बिट बिट कैप, तो हमने इंक्रीज क्या करके, हमने 3 रुपये रख दी। 3 रुपये ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी, ये ज़्यादा लग रही होगी, जो मेरे कुछ यूजर्स हैं जो मेरे देख रहे होंगे उनको बहुत ज़्यादा लग रही होगी, बट ठीक है हम करके देखते हैं एक बार क्या होता है, बिकॉज एक्सपेरिमेंट से चीज़ें हमारी निकलती है, बिकॉज हमारे प्रोडक्ट से कैसे रिव्यू आ रहा है कैसे नहीं आ रहा। आप कुछ को 1 पे चलाइए, कुछ को 2 पे चलाइए, वो डिपेंड करेगा। देखिए वर्क करना बहुत ज़रूरी है, हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तभी हमें चीज़ परफेक्ट मिलेगी, हमें चला के देखने ही पड़ेंगे। तो मैं अपने हिसाब से आपको बेस्ट बता रहा हूँ कैसे आपको चलाना है, उसके हिसाब से बजट एंड शेड्यूल देख लीजिए। आपका डेली बजट अगर 200 रुपये का, तो आपको 34,000, 12,000 से लेकर 34,000 तक की रीच मिलेगी। अगर आप वहीं इस बजट को 150 कर देंगे या 100 कर देंगे तो अपनी रीच को देखिएगा बिल्कुल आधी हो जाती है, करीब 6,000 से लेकर और 17,000 तक लोगों को आपको मिल जाएगी। और वहीं आपको क्या करना है, रन डेट एंड, और अगर आप चलाना चाहते हैं कि भाई मेरा तो ऐड कंटिन्यूसली चलता रहे डेली बेसिस पे, तो आप रन माई ऐड ऐड कंटिन्यूसली स्टार्टिंग टूडे कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं भाई आज मैं सेट कर दूँ इसको, आज के अलावा परसों तक चले बस, तो आप इस तरीके से सैटरडे डेट पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। पेबल अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है, ऑडियंस आपको दिखाई दे रही है, वहीं उसके बाद फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, बे शर्माइए मत, झिझकिए मत, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम यहाँ पे हैं आपकी मदद करने के लिए। ठीक है, एड नेम रख देते हैं, एड नेम तो रखना ज़रूरी हो जाता है ना, बिकॉज हमारे ज़रूरी इसलिए हो जाता है बिकॉज ताकि हमें एक चीज़ को क्लियर रहे कि हमने क्या चलाया, टॉप ग्रूस रीच के लिए चलाया, एक ऐड चलाया। तो नंबर 1 यहाँ पे मैं पेज सेलेक्ट कर चुका हूँ, अगर आप टॉप गुरुज है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉप गुरुज है इस तरीके से। और अब देखिए हमने लास्ट वीडियो में सीखा था सिंगल इमेज और वीडियो का, लेकिन इस वीडियो में आपको क्राउजल वाला ऐड चला के दिखाऊंगा, चला के समझाऊंगा भी और दिखाऊंगा भी दोनों। तो क्राउजल पे आते हैं, और देखिए क्राउजल में क्या होता है ना कि अगर आपके पास 2 से 3 इमेजेस हैं, आपके पास
कंटेंट है, मतलब वैरायटीज हो जाती है। सिंगल इमेज और सिंगल वीडियो में होता है बंदे के पास एक ही देखने, मतलब वैरायटीज होंगी तो वो भी अच्छी बात होती है यूजर्स के लिए, तो वो कंफर्टेबल आता है, उसको समझने में थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो अब इसमें क्या तीन इमेज चाहिए होंगी। पहली इमेज के लिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे साइज। देखिए ये जो रिकमेंड करता है वो करता है कि भाई 1080 पिक्सल्स रिकमेंड में से 1:1 हो, और द टू मैक्सिमम डिलीवरी यूज एन इमेज दैट कंटेन लिटिल और ओवरलोड टेकन हेयर। मतलब अगर आप देखना चाहते हैं तो और पढ़ सकते हैं, कंटेंट फ्री ज्यादा इमेज ना हो, ज्यादा कंटेंट ना हो, उस तरीके से आप देख सकते हैं। मैं आपको एक बार चला के दिखा देता हूँ कैसे होना चाहिए। तो सबसे आप कोशिश करिएगा इमेज मैं आपको जैसी डाल रहा हूँ वैसी ना डाल, और अच्छी डालिए। जितना अच्छा आप करेंगे अपने आप से, जितना एफर्ट्स आप डालेंगे उतना अच्छा ऐड आपका परफॉर्म करेगा दोस्तों। कुछ खास नहीं, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बूस्ट हो जाता है। और दोस्तों कंटेंट का खेल, कंटेंट कुछ ऐसा मत डालेगा जो झूठे वादे टाइप होते हैं, जो लोग कर देते हैं प्रोमिसेज ये वो, तो सबसे फेसबुक पे अप्रूवल आपको नहीं देगा। तो एक सिंपल, एक अच्छा और एक रेलिवेंट, जिससे आपको लगे आपकी ऑडियंस आ सकती है। झूठ हमें कुछ गलत नहीं लिखना है कंटेंट में। तो हम इस सेलेक्ट इमेज सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे कि हमारे को हमारी पहली इमेज कौन सी लगानी है। ठीक है दोस्तों, पहली इमेज में ये लगा देता हूँ। ठीक है, वहीं अब दूसरी इमेज पे मैं सारी पहले इमेजेस लगा लेते हैं और अब सेलेक्ट इमेज कर लेता हूँ, और दूसरी इमेज में ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से जाके अपलोड भी कर सकते हैं अगर आपके उसमें इसके आपके आपने पहले नहीं करी है, तो आप जाके इसको यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। आप अकाउंट पे नहीं है तो आप यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। तीसरे पे मैं ये रखता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अभी तीनों मैंने अपलोड कर दी। अब मैं क्या करता हूँ, फटाफट से पहले पहले इमेज का कंटेंट डालना चालू कर। तो ये मैंने रेडी करके रख रखा था कुछ, तो मैं तो आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं आप। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ भी सकते हैं। तो मैं इस तरीके से सारा यहाँ पे भर लेता हूँ फटाफट फटाफट। और अच्छा कंटेंट लिखने की कोशिश करिएगा ताकि आपको समझ में आ सके कि कैसे क्या चीज़ें काम करती हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे अपनी वेबसाइट का आप डाल सकते हैं। अगर आप वेबसाइट वगैरह बनवाना चाहते हैं हमसे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, बिकॉज हम वेबसाइट भी सब डिज़ाइन करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे थ्रू ऐड आपके चलें तो हम वो भी करते हैं, हमारी टीम पूरी पीछे बैठती है। तो आप हमें प्लीज़ बताइए, हमें कमेंट कमेंट करिए और हम आपसे फिर कॉन्टैक्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मेरा प्राइमरी यहाँ पे मैंने डाल दिया, प्राइमरी कंटेंट है मेरा। इस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ चला के, कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया मेरा पहला पहला ऐड हो गया। मैं चलता हूँ दूसरे पे। ठीक है, देखिएगा अगर आपको लगता है कोई भी आपकी क्वेरी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, फिर हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे साथ ही साथ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे इमेज अपलोड हो गई है। नंबर 1 इमेज पे हम देख लेते हैं एक बार, जो हमारी पहली इमेज है। ठीक है दोस्तों, कंटेंट कम रखिएगा, मैंने आपको बस ये डेमो करने के लिए दिखाई है। इस तरीके से आप चला सकते हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि ऐड चलाना बहुत बड़ा 30 मार्का वाला काम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान काम होता है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने हिसाब से चीज़ों को कर सकते हैं। ऐड अच्छा परफॉर्म करेगा अगर आप जितना अच्छा कंटेंट लिखेंगे, जितनी अच्छी इमेज लगाएंगे उतना अच्छा ऐड परफॉर्म करेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद नाउ स्टार्ट पे मैंने इस तरीके से कर दिया, पहली इमेज मेरी अपलोड। मैं चलता हूं दूसरी पे इस तरीके से, बाकी फिर हम आगे पढ़ेंगे। मैं चलता हूँ दूसरी पे, दूसरी इमेज मेरी अपलोड हो गई है। हम इसकी हेडलाइन वेडलाइन डाल के एकदम फटाफट से कर देते हैं काम को जल्दी से। हेडलाइन मैंने लिख रखे रखी है, आप भी अपने पहले लिख के रेडी कर सकते हैं दोस्तों। ये आपके लिए ना बेनिफिट हो जाता है, मतलब फिर ये हो जाता है कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा और हमारे को इतना ज़्यादा ना सोचना नहीं पड़ेगा क्या डालें क्या डालें। हम पहले सोच लेते हैं फिर हम बाद में डालते हैं। उसके बाद अगर आपका ऐसे ही हो जाता है तो उसको बैक स्पेस मार के ठीक भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप वेबसाइट का लिंक यहाँ पे एक बार मेंशन करेंगे तो आपको अपना आप ही ले लेगा। दूसरी इमेज हो गई, अब तीसरी कर लेते हैं। इस तरीके से आप अपने चीज़ों पे लिख सकते हैं, बेहतर और बना सकते हैं। ये मैं आपको बस एक बार करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरीके से क्राउजल ऐड भी आप चला सकते हैं आसानी में। बिकॉज लास्ट वीडियो मैंने सिंगल वाला दिखाया था, तो अब
मैंने इसमें क्राउजल बताया, मैंने आपसे बोला भी था कि मैं आपको अगले वीडियो में क्राउजल बना के दिखा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने एक दो तीन करके तीनों बना दिए हैं, मैंने अपनी हेडलाइन डाल दी है, मैंने अपने सारे काम कर दिए हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप वहीं से यहाँ से चेंज इमेज करना चाहते हैं, क्रॉप वगैरह भी कुछ करना चाहते हैं, तो आप आसानी से यहाँ से क्रॉप वगैरह भी दोस्तों कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, सब आसान से फैक्ट्स हैं, सब आसान की तरह आसानों से आसानी तरीके से किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। देखिए अब ऐड दिखा देता हूँ आपको एक बार। देखिए पहली इमेज हो गई लर्न फ्री डिजिटल मार्केटिंग, नाउ स्टार्ट योर अर्निंग इन डॉलर्स स्पेशली फॉर जॉब सीकर्स, डिजिटल मार्केटिंग एंड वाइड रेंज ऑफ कैरियर ऑप्शंस, मेक योर बिजनेस बूम, ग्रो योर बिजनेस विद डिजिटल मार्केटिंग। इस तरीके से आप जो भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं, मैंने टीम डाल के दिखा दिया आपको। अब मैं चाहता हूँ कि ना इसमें कुछ बटन जो होता है बटन भी है, मैंने अपना प्राइमरी टेक्स्ट ऐसा रखा है, वेलकम द प्रोमिनेंट डिजिटल मार्केटिंग चैनल हेयर, ठीक है। आप कुछ भी लिखना चाहें, मतलब आपको लगता है ये अच्छा कंटेंट नहीं है, ये मैं आपको बस एक तरीके से क्या कह सकते हैं डेमो टाइप दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आप चला सकते हैं। बहुत कंटेंट और इमेज, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, कंटेंट इमेज ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। अगर आप वो अच्छा डालेंगे तो फिर आपका ऐड अच्छा परफॉर्म करेगा ही करेगा। अब आप पूछ सकते हैं हमसे, चलवा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ साथ अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे आप शॉप नाउ तो यहाँ पे कर नहीं सकते, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग हम यहाँ पे करेंगे सब्सक्राइब कर देते हैं दोस्तों। सब्सक्राइब के अगर आप चाहते हैं कि भाई सब्सक्राइब के यहाँ पे कोई आप मोर लिंक डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसका लिंक भी डाल के आगे बढ़ सकते हैं। सीओ जो भी आप लिंक आगे यहाँ डालेंगे, ये तो URL हो गया हमारे चैनल का, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कोई और लिंक डालना चाहते हो वो भी यहाँ पे डाल के, वो डिस्प्ले लिंक चाहते हैं आपके दिखे तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। नीचे ट्रैकिंग की बात करें, फेसबुक पिक्सल मैंने ऐड कर रखा है। ऐप इवेंट्स के लिए सेटअप आप करना चाहें, ऑफलाइन इवेंट्स के लिए हम यहाँ सेटअप कर सकते हैं दोस्तों। एड्स देख लीजिए, एड्स कैसे लग रहे हैं आपको, ऐसे कुछ एड्स बन जाएंगे आपके रीच के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। ये हमने बना दिया, अब आगे बढ़ते हैं, कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे कुछ सेकंड्स आपके लेगा, फिर आपका ऐड अप्रूव माफ कीजिएगा, फिर आपका ऐड इन रिव्यू में चला जाता है। वो पहले इन ड्राफ्ट में जाएगा, ये नेट की वजह से भी हो सकता है, क्या पता ये पब्लिशिंग का प्रोसेस भी होता है। तो उसके बाद ये देखिए तीन है इसमें, फिर वो रिव्यू करेगा और फिर वो उसके बाद आपका ऐड अप्रूव हो जाएगा। नहीं होएगा तो आपको रीजन बताया क्यों नहीं होगा। इसमें आपको बिजनेस मैनेजर अकाउंट है, आपका ऐड अकाउंट है, तो आपको कस्टमर सपोर्ट भी मिलेगा, पूछ भी सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे इन रिव्यू में जा चुका है, यहाँ पे हम बिड कैप भी हमने लगाई, तो इस तरीके से दिखा रहा है डेली हमारा, इस तरीके से 100-100 रुपये दिखा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा रीच कैंपेन आपको कैसे चलाना। अगर आपकी कोई भी करे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं बताइए कि आपने प्रॉब्लम फेस किया है, या फिर अगर आप वेबसाइट्स वगैरह डिजाइन कराना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं हमारे थ्रू एड चलाना, हमारे थ्रू डिजिटल मार्केटिंग कराना चाहते हैं, हमारे थ्रू आप बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमसे कनेक्ट करिए, तभी हम आपसे कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी और आपको पसंद भी आई होगी। पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि जो भी लोग सीखना चाहते हैं रीच कैंपेन कैसे बनाना फेसबुक पे, वो आसानी से बना सके। बहुत सिंपल ट्यूटोरियल आपको लगा होगा उम्मीद करता हूँ। अगर आपकी कोई भी क्वारी, अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हुई, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं दोस्तों, बिकॉज हमारी जो भी कोई नई वीडियो आएगी सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगी और आप समझ पाएंगे। और हाँ, आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे दूं, हम आपके लिए पार्ट टाइम जॉब्स की भी वीडियोज लेके आ रहे हैं, जिसमें आप तुरंत अकाउंट बना के स्टार्ट करेंगे तो आप भी तुरंत पार्ट टाइम अर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आऊँगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे सोशल मीडिया पेजेस को करिए सबको फॉलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉप गुरुज। We'll be right back.